iPhone 12 versus iPhone 13 versus iPhone 14. Let's talk about this. अगर आपका बजट 50,000 रुपीस के आसपास है या फिर अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर भी खर्च कर सकते हो तो आप इन तीन फोन्स में से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होगे अगर आप iPhone खरीदने का सोच रहे हो, बिकॉज iPhone 12 मिल रहा है 64GB का 50,000 रुपीस का, iPhone 12 128GB का मिल रहा है 56,000 रुपीस के आसपास, iPhone 13 मिल रहा है 60,000 रुपीस के आसपास एंड iPhone 14 मिल रहा है 65,000 रुपीस के आसपास। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको इनमें से कौन सा खरीदना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बिल्ड एंड डिजाइन की। तो भाई यहाँ पे आपको ये तीनों के तीनों फोन एल्यूमिनियम एजेस के साथ देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको फ्लैट एजेस मिलती हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, एंड तीनों के तीनों में आपको पीछे की तरफ पे ग्लास बैक देखने को मिल जाता है जो कि अभी की डेट में काफी ज्यादा पॉपुलर है, एंड मैं बोलूंगा तीनों का लुक जो है वो एग्जैक्टली सेम है। 13 का कैमरा मॉड्यूल 12 के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा निकला हुआ है एंड 14 का कैमरा मॉड्यूल सबसे ज्यादा निकला हुआ है एंड इसके लेंसेज भी सबसे ज्यादा बड़े हैं। तो डिजाइन के मामले में आप जब इसको देखोगे तो भाई यहीं पे थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा कोई भी ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। अगर इनके फ्रंट की बात करूं तो तीनों में ही आपको सेरेमिक शील्ड वाली टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, यानी कि तीनों के तीनों जो डिस्प्ले हैं ये काफी ज्यादा टफर डिस्प्ले हैं और ड्यूरेबल बोल सकते हो आप इनको। इसके अलावा अगर इसके फ्रंट डिजाइन की बात करूं तो भाई iPhone 12 में आपको बड़ा सा नॉच मिल जाता है, वहीं iPhone 13 एंड 14 में आपको कंपैरेटिवली छोटा नॉच मिलता है। इसके अलावा तीनों के तीनों फोन आपको IP68 वाटर रेसिस्टेंट मिल जाते हैं, यानी कि तीनों ही फोन्स को आप पानी के अंदर 6 मीटर तक डाल सकते हो फॉर 30 मिनट्स एंड ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है डिस्प्ले, एंड यहाँ पे आपको तीनों ही फोन्स में एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि है 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो कि OLED पैनल के साथ आता है। इसमें आपको HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, Dolby Vision का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रिजोल्यूशन की बात करूं तो 2532x1170 के पिक्सल्स मिल जाते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 460 PPI है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिल रहा है आपको इन तीनों ही डिवाइसेस में। iPhone 12 में आपको 625 nits की ब्राइटनेस मिलती है, वहीं iPhone 13 एंड 14 में आपको 800 nits की ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पे रेगुलर ब्राइटनेस का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी आप HDR कंटेंट देख रहे हो तो इन तीनों की मैक्सिमम ब्राइटनेस 1200 nits तक जा सकती है। इसके अलावा तीनों के तीनों डिस्प्ले 60 हर्ट्ज वाले हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखो इन तीनों ही फोन्स की जो लंबाई और चौड़ाई है वो एग्जैक्टली सेम है तीनों फोन्स की, लेकिन यहाँ पे आपको जो एक डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है इनकी थिकनेस में। iPhone 12 की थिकनेस है 7.4 mm, iPhone 13 की थिकनेस है 7.65 mm एंड iPhone 14 की थिकनेस है 7.80 mm। तो यहाँ पे सबसे पतला आपको फोन लगेगा iPhone 12, जिसकी वजह से iPhone 12 का इन हैंड फील सबसे ज्यादा बेटर हो जाता है एंड काफी हल्का सा अच्छा सा फील देता है हाथ में। iPhone 14, 13 थोड़े से ज्यादा भारी लगते हैं इसके कंपैरिजन में। ऑल्सो अगर वेट की बात करूं तो iPhone 12 का वेट है 164 ग्राम्स, iPhone 13 का वेट है 174 ग्राम्स एंड iPhone 14 का वेट है 172 ग्राम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 ग्राम के आसपास डिफरेंस आपको मिल जाएगा 12 से 13 और 14 का। अब बात कर लेते हैं इनके चिपसेट की। तो भाई iPhone 12 में आपको A14 बायोनिक चिप मिलती है, iPhone 13 में आपको A15 बायोनिक चिप मिलती है एंड iPhone 14 में भी आपको A15 बायोनिक चिप ही मिलती है। जब मैंने iPhone 12 से 13 को कंपेयर किया तो मैंने आपको बताया था कि भाई दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। और यहाँ पे तो iPhone 13 एंड 14 में एग्जैक्टली सेम चिपसेट आपको मिल रहा है, सिर्फ 14 में आपको 5 कोर GPU मिलता है, इसमें आपको 4 कोर GPU मिलता है। तो सिर्फ एक कोर GPU का डिफरेंस है, वो भी CPU का नहीं है, जिसकी वजह से आपको पावर में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि तीनों की परफॉर्मेंस आपको लगभग सेम ही मिलेगी, कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैं आपको तीनों के Geekbench के स्कोर चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो अगर पावर के लिए आप सोच रहे हो तो भाई तीनों में आपको सेम ही मिलने वाली है, कोई भी इतना बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा हैवी टास्क करो, एडिटिंग करो, तब आपको एक आध सेकंड का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन वो मायने नहीं रखता यार, एक आध सेकंड क्या ही होता है। बहुत ज्यादा पावरफुल है A14 बायोनिक चिप आज की डेट में भी। अब बात करूं अगर गेमिंग की तो भाई तीनों में ही आपको बहुत खतरनाक प्रोसेसर मिल रहा है, बहुत खतरनाक चिपसेट मिल रहा है, तो जिसकी वजह से आपको तीनों में ही बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस मिलने वाली है गेमिंग के मामले में एंड तीनों लगभग सेम ही परफॉर्म करेंगे। तीनों ही फोन्स में आप बहुत खतरनाक गेमिंग कर सकते हो, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको ग्लिचेस देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है ये तीनों के तीनों फोन्स। लेकिन यहाँ पे आपको गेमिंग के मामले में एक माइनस पॉइंट मिल सकता है, तीनों के तीनों डिस्प्ले 60 हर्ट्ज वाले हैं, इसलिए यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन मिलने वाली है, और अगर एंड्रॉइड के 90 FPS से भी कंपेयर करते हो तो भी ये हेड टू हेड ही टक्कर देता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज
मैनेज करते हैं एप्पल के डिवाइसेस, तो आपको परफॉर्मेंस की, गेमिंग की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको इसमें। अब भाई गेमर्स को जो नेक्स्ट चीज काफी ज्यादा अफेक्ट करती है वो है इनकी बैटरी, तो बात कर लेते हैं इनकी बैटरी की। तो यहाँ पे आपको आईफोन 12 में 2815 mAh की बैटरी मिल जाती है, आईफोन 13 में 3240 mAh की बैटरी मिलती है एंड आईफोन 14 में 3279 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। देखो आईफोन 12 का बैटरी बैकअप एज कम्पेयर टू आईफोन 13 काफी कम है, यहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटा ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा अगर आप आईफोन 13 में स्विच करते हो। तो आईफोन 12 की बात करूँ तो भाई अगर आप नॉर्मल यूज करते हो और थोड़ा बहुत अगर गेमिंग वगैरह भी करते हो तो भी ये आपको एक पूरे दिन का अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगा। अगर हार्डकोर गेमर हो तो भाई 4 से 5 घंटे के आसपास से आराम से आप इसमें गेमिंग कर सकते हो, लेकिन अगर कंपेयर करें 13 से तो 13 में आपको 1 घंटा ज्यादा गेमिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बिकॉज वहां पे बैटरी बैकअप आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर, अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, बहुत ज्यादा एडिटिंग करते हो, बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो तो भाई उस हिसाब से आपको जो बैटरी बैकअप है ये ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ऐसा मत समझना कि भाई मैंने बोल दिया 5-6 घंटे तो भाई आपको 5-6 घंटे का ही मिलेगा। अगर आपका उतना यूज नहीं है, अगर आपके पास काफी अच्छा नेटवर्क है, अगर आप वाईफाई से गेमिंग करते हो एंड आपका वेदर इस तरीके का है कि आपको हीटिंग वगैरह का इशू नहीं हो रहा है तो भाई उससे भी ज्यादा बैटरी बैकअप दे सकता है। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज बता दे रहा हूँ, आईफोन 12 में अगर 5 घंटे गेमिंग कर सकते हो तो इसमें 6 घंटे कर सकते हो, और अगर 14 की बात करूं तो इसमें आप आधा घंटा और एक्स्ट्रा मान लो क्योंकि 13 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है 14, तो वहां पे आपको थोड़ा सा और ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि 13 और 14 को एक ही कंसीडर करके चलो, बाकी 12 की कंपैरिजन में काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आईफोन 13 एंड 14 में आपको। और अगर बात करूं सिर्फ 12 की तो 12 भी पूरे दिन का अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगा आपको, तो इसे बैटरी के लिए इतना ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो 13 या 14 की तरफ जा सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है कैमरास, एंड यहां पे कैमरास में आपको काफी बड़े डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 12 की, तो इसमें आपको 2 12 मेगापिक्सल के लेंसेज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैमरा मोड्स की तो भाई इसमें आपको 4K 30 एंड 24 FPS पे HDR रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी तो कर ही सकते हो इसमें, ऑल्सो यहाँ पे आपको नाइट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें 13 की तो भाई 13 में आपको सिनेमेटिक मोड देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत कमाल का फीचर हो जाता है, जितने भी लोग रील्स वगैरह क्रिएट करते हैं उनके लिए बहुत सही फीचर हो जाता है। तो आईफोन 13 में आप 1080p 30fps पे सिनेमेटिक मोड रिकॉर्ड कर सकते हो, साथ ही यहाँ पे आपके पास फोटोग्राफिक स्टाइल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि आपको आईफोन 12 में देखने को नहीं मिलता है। तो ये दो फीचर्स हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आईफोन 13 में। बात करें अगर फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा में थोड़ा बहुत आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मेन और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में भी आपको हल्का हल्का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आईफोन 13 में, लेकिन कोई ऐसा बहुत ज्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट नहीं है, दोनों लगभग सेम ही आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ये दो मोड्स हैं जो कि एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब अगर बात करूं आईफोन 14 की तो भाई यहां पे आपके पास 4K में 30fps एंड 24fps पे सिनेमैटिक मोड रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑल्सो यहां पे आपके पास एक और अनदर एडवांटेज मिल जाता है जो कि है एक्शन मोड का। अगर आप फिल्म मेकिंग वगैरह करते हो अपने फोन से और ऐसे एक्शन मोड में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो भाई ये बहुत बड़ा कमाल का ऑप्शन हो जाता है आपके पास। आप अपने फोन को हाथ में लेके अगर दौड़ के भी किसी के पीछे अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो भी बहुत ज्यादा स्टेबलाइज वीडियो शूट होती है। तो बेसिकली ये 4K की वीडियो को क्रॉप करके 2.8K में कंप्रेस कर देता है एंड इसमें आपको सॉफ्टवेयर की मदद से काट पीट के बहुत अच्छी एक स्टेबल इमेज प्रोवाइड करता है। तो अगर इस वाले फीचर की जरूरत है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आईफोन 14 में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, इसके फ्रंट कैमरा में आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि एक बहुत कमाल का अपग्रेड हो जाता है फ्रंट कैमरा के मामले में। तो अगर आप फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो आईफोन 14 एक बहुत कमाल का फोन हो जाता है। इसके अलावा अगर 4K में सिनेमैटिक मोड लेना चाहते हो तो भी वो आईफोन 14 में पॉसिबल है, 13 में 4K में नहीं कर सकते, 1080p में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल चला के दिखा दे रहा हूँ फोटोज और वीडियो से, तो आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो गाइस ये है इन तीनों के फ्रंट कैमरा एंड ये तीनों के तीनों शूट कर रहे हैं 4K 60fps पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस लेवल की आपको ऑडियो क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी इनके फ्रंट कैमरा में। हाँ तीनों में कंपेयर करें तो आईफोन 12 में काफी कम मोड्स हैं। इसके अलावा बात करूं कुछ अदर फीचर्स की तो भाई आईफोन 14 में आपको क्रैश डिटेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि बाय चांस अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हो और अगर आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो तो भाई आईफोन आपका ये डिटेक्ट कर लेगा और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देगा ऑटोमेटिकली। इसके अलावा आपको SOS सैटेलाइट का फीचर मिल जाता है, यानी कि आप सैटेलाइट के थ्रू SOS कॉल कर सकते हो अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले जाते हो भाई जहां पे आपके पास नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये फीचर सिर्फ US एंड कनाडा में अवेलेबल है राइट नाउ, तो जब तक यहां पे नहीं आ जाता तब तक ये फीचर हमारे किसी काम
का नहीं है। इसके अलावा iPhone 14 में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है, 12 एंड 13 में ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। तो चलो फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर कि आपको किस तरीके से यूज करना है। देखो अगर आपका ज्यादा यूज नहीं है, अगर आप नॉर्मली फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह चलाना चाहते हो, थोड़े बहुत मूवीज वगैरह के लिए देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स वगैरह, तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा iPhone 12 काफी पर्याप्त हो जाता है आपके लिए। अगर अभी आज की डेट में खरीदने का सोच रहे हो iPhone 12 खरीद सकते हो कम प्राइस में भी, और 128GB का खरीदोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वहां पे आपको ज्यादा स्टोरेज मिलेगा वो और लॉन्ग टर्म तक आपका साथ देगा। वहीं अगर आप गेमिंग के लिए सोच रहे हो, आपका मेन मोटिव ही गेमिंग करना है या फिर इसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, तो भाई देखो परफॉर्मेंस वाइज तो तीनों में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे iPhone 12 के कंपैरिजन में 13 में आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा 12 को स्किप करके 13 की तरफ जा सकते हो। यहाँ पे बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको। और अगर आपका मेन मोटिव फोटोग्राफी है तो भाई तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा iPhone 13 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग सेम फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे एक्शन मोड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास गिम्बल वगैरह है तो आप उसको गिम्बल को यूज करके वो एक्शन मोड भी अचीव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि iPhone 13 की तरफ जाओ। 14 में आपको थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि क्रैश डिटेक्शन हो गया, सैटेलाइट कॉलिंग हो गया, जो कि मुझे ह्यूज इंप्रूवमेंट नहीं लगते इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे SOS सर्विस तो आप जानते ही हो भाई कितनी अच्छी है। ऑल्सो अगर सैटेलाइट की बात करूँ तो वो वाला फीचर तो इंडिया में है ही नहीं, तो इस वजह से मेरा को 14 थोड़ा सा कम समझ में आता है। यहाँ पे iPhone 13 की तरफ आप जा सकते हो। बाकी लेने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है भाई, कोई भी फोन लोगे थोड़े टाइम के बाद उस फोन का रेट गिरेगा ही गिरेगा, भले 12 ले लो, भले 13 ले लो, भले 14 ले लो, थोड़ी टाइम के बाद उसका रेट गिरने ही वाला है। तो भाई अपना डिसीजन जो है वो आराम से बना सकते हो आप। तीनों में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, अपने बजट के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो। और खरीदने के बाद ये मत सोचना यार इसका रेट गिर गया, इसका रेट ऐसा हो गया। भाई 14 भी खरीद लोगे, उसका रेट भी आपको 2-4 महीनों के अंदर अंदर गिरता हुआ दिखेगा। 13 खरीद लोगे तो ये ऑलरेडी 50,000 रुपए में लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका रेट भी बहुत जल्दी गिरेगा। तो अपना मन बना लो, अगर वेट करना चाहते हो तो वेट कर सकते हो, और अगर अर्जेंट खरीदना है तो मैं रिकमेंड करूंगा iPhone 13 की तरफ जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा फोन हो जाता है ये। तो गाइस ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, शायद इस वाले वीडियो ने थोड़ा कम हेल्प किया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।